कैसे आप सब, गुड मॉर्निंग। और आज आप देख रहे होंगे मैं गाड़ी में बैठ के व्लॉग क्यों शुरू कर रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ मेरा केवीएस का पेपर देने गाजियाबाद, और तो मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर ली। मेरे को अभी याद आया घर से, तो हम निकल लिए थे 4:30 बजे। तो मेरे को लगा इतनी सवेरे नहीं करती शुरू, क्योंकि वो थोड़ा अंधेरा भी था, मुँह दिख नहीं रहा था, और अब देखो थोड़ा दिख रहा है। 6:30 बज गए अभी और हम ऑन द वे हैं। केएमपी पे चढ़ गए ना अब। और ये देखो, ये मेरे देवर जी हैं जो मेरे को मेरे डेस्टिनेशन पे छोड़ेंगे। और बस अभी एक बार पहुंचते हैं पेपर के लिए। तैयारी वारी तो बस ठीक ठाक ही है, बट मेरा मन था मैं कहा दे ही आऊँ पेपर, तो बस इसलिए हम आ गए थे। चलो गाइज, आप सब भी मेरे को ऑल द बेस्ट विश कर दो, क्या पता आपकी विशेष से ही मेरा पेपर अच्छा हो जाए। इतना ही लाते मुझ, चलो गाड़ी में कैमरा पकड़ रही हूँ। तो देवर मेरे पूरे के पूरे नींद में है, लेकिन मैं इसको अपनी बक बक करके तब से जगा रखा है मैंने। मैं कहा सो सुना जाए। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये हम कहाँ से पहुंच लिए होंगे, जो गाजियाबाद है ना वो यहाँ से है कम से कम भी 30 किलोमीटर दूर। इतना प्यारा व्यू है ना सनराइज का। फोन में तो कुछ ज्यादा ही रोशनी दिख रही है, लेकिन अभी थोड़ा अंधेरा है, मेरे फोन की ब्राइटनेस ज्यादा है गाइस। ये देखो, और सवेरे सवेरे एफएम का मजा लेते हुए मेरा देवर पूरा गाने सुन रहा है, और मैं तो से कह रही हूँ भजन लगा ले, भजन नहीं लगा रहा। मैं बड़े दुखे के गाने सुन रहा हूँ। पता क्या धोखा, किसने दे दिया धोखा? ये सच्ची, आज तो वैलेंटाइन डे है गाइस, 14 है ना आज, हैप्पी वैलेंटाइन डे गाइस। मैं सबको विश कर रही हूँ, आप लोग अपने अपने पार्टनर्स को कर देना विश, मेरे को तो विश करने वाले ने मेरे को किया नहीं विश, वो कभी करता ही नहीं है, करता ही नहीं कुछ, ना रोज रोज ना चॉकलेट, कुछ नहीं है उसका, ऐसे ही जमा बोरिंग इंसान मिला है। और मेरा देवर ने तो है, आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? करी कोरी, इसने कोई पटानी रखी, क्या जिंदगी है भाई, यही 2-4 साल होते हैं शादी से पहले, फिर जिंदगी झंड हो जाती है मेरे वाले तरह। इसकी तो अभी से ही झंड है। तो भाई 14 फेब को, वैसे तो वैलेंटाइंस डे बनाते हो, लेकिन 14 को पुलवामा हमला भी हुआ था, जिसमें अपने सीआरपीएफ के जो 40 जवान थे वो शहीद हुए थे। तो हमें ना उनको भी याद करके थोड़ा श्रद्धांजलि देनी चाहिए, कि भाई जिसकी फैमिली से गए हैं ना, उनके लिए तो ये दिन बहुत ही गंदा दिन है। पता है जी, हमारा कोई प्यारा जिसको ऐसे कोई चला जाए, वो नहीं इन दिनों को मनाता फिर कभी। एक दो दिन से व्लॉग नहीं आ रहे, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रही थी, और थोड़ा सा ना तबीयत खराब होने की वजह से मैं व्लॉग शूट भी नहीं कर पाई थी। तो फिर अब मेरे को ध्यान आया कि अभी मैं गाड़ी में बैठी तो हूँ ही, एफएम से बोर होने से अच्छा मैं मेरा व्लॉग शुरू कर लूँ, तो इसलिए मैंने व्लॉग शुरू कर लिया था। और भी चैनल पर जो नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर जाया करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर जाया करो, और अपने नियर एंड डियर को एक दो को शेयर भी कर दिया करो भी। शेयर नहीं करते आप लोग? गाजियाबाद 27 किलोमीटर दुहाई। हाँ, उस गाइस देखो, सनराइज का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको, कितना अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ ना पास में यहाँ से हिंडन नदी भी जा रही है, अगर किसी को नहीं पता हो हिंडन नदी कहाँ है, तो यहाँ आसपास से ही जा रही है, मैप पे शो कर रहा है, अगर दिखी ना तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। गाइस ये देखो, ये थोड़ा सा पानी दिख रहा है ना आपको सामने रिफ्लेक्शन सा, ये नदी है। ये देखो वो छोटा सा नाला दिख रहा होगा, चली गई गाइस, थोड़ी सी दिखने को मिली, मेरे को भी थोड़ी सी दिखी बट दिख गई। हॉर्न बजाओ, हॉर्न साइड दो हमें, लेट हो रहा है पेपर के लिए, हॉर्न बजाओ, ब्लो हॉर्न, देखो लिख रखा है उन्होंने। हाँ सही बात, एक दो और बजा दो जल्दी हटा लेगा, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से बीच वाली लेन में।
सड़क को स्वच्छ रखें। गाइस वो देखो हिंडन नदी इसके रोड के ऊपर से दिख रही होगी, ये पानी सा दिख रहा है ना व्हाइट व्हाइट, यही है हिंडन नदी। गाइस ये जो गाजियाबाद दुहाई करके कुछ है ना, वहां है मेरा जो सेंटर है, और मैं मेरे देवर को कह रही 3:30 बजे निकलेंगे घर से, लेट हो जाएंगे, 3:30 बजे निकलेंगे लेट हो जाएंगे, और ये कह रहा पहुंचा दूंगा तेने 7 बजे तक बैठी रहे। और अब नु कह ठाला ही इतनी बखत है, और मैं कहूँ था मैं तेने 7 बजे तक पहुंचा दूंगा, अरे देख ले बैठी रही बड़े 1 घंटा, क्योंकि एंट्री शुरू होगी 7:30 बजे, तो मैं 7 के लगभग पहुंच जाऊंगी। अब तो यूं लगा लो बस 10-1 मिनट का रास्ता और रह गया यहाँ से। जो IMR कॉलेज है ना गाजियाबाद दुहाई, इसी रोड पे है ना, उसमें है मेरा सेंटर। तो चलो चलो मैं जल्दी आ गई। पता है गाइस 2 बार ना मेरे साथ ऐसे हो गया था कि मैं पेपर के सेंटर के आगे पहुंची 5 मिनट लेट और मेरे को एंट्री नहीं मिली, इतना दुख आता है ना। तो मैं आज रिस्क नहीं लेना चाहती थी जमा भी, जमा ही जेट हो जाता, तो इस करके मैं थोड़ा सा ना अपना मैं कहा जल्दी निकलना ठीक है, फिर भी हमें 3 किलोमीटर इसी के नीचे से टर्न लेना है जो ये है गाजियाबाद वाला, तो 3 किलोमीटर वाला कह रहा है। तो फिर ना हम 5 बजे के लगभग निकल लिए थे, वैसे निकल तो 4:30 लेते, लेकिन सवेरे उठ के नमकीन वमकीन चावल मम्मी ने बनाए ना, तो उसमें थोड़ा सा लेट हो गए। अब एक बार रोक के ना पहले खाना खा लेंगे, क्योंकि भूखे पेट पेपर में बैठे ना तो सर दर्द करने लग जाएगा, और फिर खाना वाना खा के फिर जाऊंगी पेपर देने। तो पता ही होगा आज मेरा पेपर किस चीज़ का है, नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ, KVS का एग्जाम है, TGT मैथ्स का एग्जाम है आज मेरा। ऑल द बेस्ट टू मी। बस देखो गाइज ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं हम यहाँ से, 2.5 किलोमीटर के बाद ना अभी हमें एग्जिट लेनी है। आप वो यूनिवर्सिटी कह रहे थे वो कहाँ है, पीछे गई दिखाई नहीं आपने, फिर चलो आते टाइम दिखाना। इधर से उतरना है शायद, देखो ये Take the exit toward Mirit Road. ये यूनिवर्सिटी, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? In 600 meters, merge with Mirit Road. टोल भी आएगा? हाँ, ये देखो ये रहा टोल। आ रखे हो यहाँ? अच्छा, ये पेंट करवा दिया? यही तो नहीं है मेरा पेपर? यही है मेरा कॉलेज? हाँ, यही है वो? नहीं मेरा IMR है। टोल आ गया है, मारू गया है। उधर से अगर इधर आते हैं तो हाँ वो रहा उधर, देखो गाइस ये ID इंजीनियरिंग कॉलेज है। चलो पहुंच ही गए हैं फाइनली, टाइम देखो मैं कितना हो गया, 6:53 हुए हैं, पहले ही आ गए। कच्चा ड्राइवर है वो, मैं कौन ही था उससे। क्या लफड़ा पड़ गया इस पर, कैश की और जो एग्जिट है ना वो कौन है? अच्छा अपने पास भी नहीं है सिस्टम में, वो कौन ही परमिशन कौन ही? अच्छा अच्छा, कैश की स्लिप आज तक तो नहीं हुआ। तो कार्ड नहीं चला क्या? कार्ड तो चल गया, निकाल देते देखिए उसमें भीतर पड़ा था फास्टैग पे, पूछ लो उससे। देखना एक बार, मेरे को तो दिख नहीं रहा, ये रहा भाई। कहाँ चले गए अब वो? मशीन लग गया इसके अंदर, यहाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है इनको, पता नहीं कैश वैश की क्या दिक्कत है इधर। और गाइस ये रही मेरी लोकेशन, और ये देखो ये मेट्रो स्टेशन है ऊपर, काम चालू है इसका बनाया है, लेकिन बना नहीं, इसका काम चालू हो रहा है। कहाँ
शटरिंग की पाइप लाग रही थी, एंगल है पाइप खुले ना इतने बड़न लाग रहे। अच्छा अच्छा, वैसे बढ़िया हो गया यहाँ तक मेट्रो है, प्लेट लाग रही। नेक्स्ट टाइम मेरा आएगा तो मैं मेट्रो से आऊंगी, क्यों खाम खा दौड़ रही जा रहा तेल फूक। मैं तो बल्कि आज भी इसको गई थी, मैं कहा ना बहादुरगढ़ तक चलेंगे गाड़ी पे, उसके आगे चलेंगे मेट्रो में, और मेट्रो तो देखो अब तक चली भी नहीं है, लेट हो जाती, शुक्र है इसने मेरी मानी नहीं। देखियो कुछ भी नहीं खुला, आप ही सोच रहे थे ना वहां जाके कुछ खा लेंगे, शुक्र है घर से ले आए खाना। मम्मी को फोन करके बता दिया पहुंचे, न्यूज की ना यही रहती है कि हाय कैसे जाएंगे, नींद ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो उनको भी शांति पड़ जाएगी। और अब मैं खा लू एक बार खाना। ओए सही चावल गर्म है, जल्दी आइयो, सही गर्म है चावल, एक बार मैं कर लू मेरे खाने की अनबॉक्सिंग। सो अपने अपने घर वालों के साथ पहुंच रहे हैं, ये देखिए, और देखिए गाड़ी वाड़ी भी आ रही है, सिक्योरिटी गार्ड कह रहे हैं भाई गेट के सामने गाड़ी नहीं लगानी, और आएगा तो इसको थोड़ा साइड लगवाएंगे, और अभी 7:30 से पहले ये एंट्री भी नहीं होने देंगे। कैंडिडेट मस्ट कैरी बॉल पॉइंट पेन और मास्क, जो कि मेरे पास है नहीं, ना मिलेगी ना, मैं ये पढ़ के चली, देखो अब पढ़ने लग रही हूँ, ये भी अब फिल किया है जो ये सेल्फ डिक्लेरेशन मांग रखी थी। कोई ना मास्क ले आई हो, कदम खाम खाई मैंने बड़न ना दवे आई हुई ने। और की है पांचवी चीज, वाटर बोतल ट्रांसपेरेंट, चोखो बात पानी की तो 2 बोतल भर लाई छोटी छोटी, ले खाना काट जल्दी, रहा भूख लग रही है जोर की गति। हाँ काटो काटो, इसमें जो अपने खाना है वो सारा कुछ है, सी गरम गरम है तक खा लो, ठंडा है बच्चे स्वाद होने लगा, आपकी मम्मा ने घी लगा रखे, ये है मेरे चावल, इसमें नमक है थोड़ा सा, अगर कम लगे तो नमक ले लियो, चम्मच भी पड़ी पाऊंगी, या दही आपकी, दही सारी आपकी, लस्सी सारी मेरी, ठीक है डील डन, मैं को पीऊंगा जरूर। हाँ ये आपके चावल हैं, अगर जब गाट खाए जा तो थोड़े हमें तो दे दियो आप, हैं बोतल देख कर लस्सी की, तो लस्सी की हाँ, फिर एक कप आई थी, कितना नमक को नहीं, जीरा है, एक नंबर का स्वाद आओगा कती, चम्मच दे दो। तो खाना खा लेते हो, जबरदस्त भूख लगी है, पानी की बोतल ये देखो छोटी छोटी, दो पानी की बोतल लेके आई हूँ, एक मेरे को दे दो एक आप रख लो, मेरे को लेके जानी है अंदर। नींबू को ना दही तो मिला लो थोड़ी सी, हैं किसे बन रहे हैं, कति बाजते बाजते हम छोक के थे, चावल तो ठीक है, इतना नमक गिरा है खाना के, ना ना ये ऊपर ऊपर है, मिला लो ना। खाना पीना खा के मैं हो चुकी हूँ पूरी तैयार पेपर देने के लिए, और देवर जी गए हैं मास्क देखने, कहीं वही मिल जाए, और क्या ना 4 मसलोड किन तो लगा रखा है, बस मैं ये सोच रही हूँ मेरे को एंट्री ना दे ये मास्क के बिना। और मेरा देवर ले आया मास्क, आपने मैं चलाऊं जब भाई फोन चलाई हो, कभी बाकी नहीं रहती आपके, चलो मास्क हो गया और एडमिट कार्ड हो गया, पेन हो गया, यो ग्लास में पैग पूग कौन पिया करे, मेरी गाड़ी थोड़ी। सही बात है, और आईडी कार्ड और ले लू एक बार अपना। गाइस मेरे को प्लीज ऑल द बेस्ट बोलो, मैं जा रही हूँ, ये लाइन वाइन बढ़ती है, एंट्री हो रही है। जस्ट अभी मैं आई हूँ और पेपर मैं कर आई हूँ, आता था कुछ नहीं आता था, उनके तुक्के मार के आई हूँ, कुछ नहीं, जमा बकवास पेपर हुआ है जिसको कहते हैं ना, बट मेरे को दुख नहीं है, कम से कम मैं बैठी हूँ पेपर में, अब मैं इस हिसाब से थोड़ा पढ़ लूंगी, और बस अभी निकल रहे हैं घर को,
गुड़िया भूखी मर रही होगी जम्मा। गाड़ी में ही बन गया यूं लगा लो। और ये देखो बैक टू होम अभी जा रहे हैं। बस मम्मी का फोन आया कब से आओगे, ना अभी बहुत भूखी है, रो भी रही थी काफी। जा रही हूँ बस, पहुँचते हैं जल्दी। अब तो बस मैं सीधा घर पहुँच गई, एक आध क्लिप शूट हुई तो करूँगी, नहीं तो थक गई सोऊंगी। गाइस मैं 2:30 बजे आ गई थी और आते ही नवी इतनी भूखी थी, इसको दूध वूध पिलाया, फिर मैं भी इसके साथ ही रेस्ट करने लग गई। बस अब उठ के खाना खाऊंगी, बस 4 बज चुके हैं बस। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। आज बहुत ही टायरी डे था और पेपर का एक्सपीरियंस भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा, फिर भी मैंने व्लॉग शूट किया। मैं कहा थोड़ा बहुत कर लेती हूँ जितना भी बन पाएगा। तो इसी के साथ अब मैं करती हूँ अपने व्लॉग की एंडिंग और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।